नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कैलाश पंजी हैं जी। नमस्कार। ये प्रदेश आपदाओं का प्रदेश है। यहाँ पर कभी बादल फटने की घटनाएं होती हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आगजनी घटनाएं होती हैं, जंगलों में आग भड़क जाती है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी है कैलाश पंजी के पास। आपका स्वागत है सर जी। नमस्कार। आप राज्य सरकार ने आप पर जो है बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि यह महकमा कोई आसान महकमा नहीं है। क्योंकि जंगलों में हमने देखा है गर्मियों में आग भड़कती है, बरसात आती है तो नाले उफन जाते हैं, गांव के गांव में दरारें पड़ जाती हैं, बड़ा क्षेत्र जमीन का बह जाता है और बादल फटने की घटनाएं होती है जिसमें गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपके पास नया प्लान है, किस तरह से इस विभाग को आप नया गाइडलाइन देंगे, कैसे किस तरह से इसको करेंगे काम को? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये एक दायित्व दिया है और मैं इस दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकूँ। इस दिशा में मेरा 100% सकारात्मक प्रयास रहेगा। उत्तराखंड वास्तव में यहाँ गर्मियों में जंगलों में आग लगती है, गांव तक भी आग फैल जाती है और बरसात के समय सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, पहाड़ खिसकते हैं, गांव के जो मकान हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है जी, किंतु हर किसी चुनौती का यदि ठीक प्रकार से सामना किया जाए तो चुनौती का समाधान भी है जी। जिस प्रकार से आपदाएँ आती हैं, आज तक हमारी सरकारें कर रही हैं अनेकों प्रकार की। आज हमने जो है प्रत्येक जिला केंद्र पर हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जी। प्रदेश में हमारा कंट्रोल रूम है, यदि कहीं कोई भी घटना होती है उसका तुरंत जानकारी प्रदेश कंट्रोल रूम को जाती है। वहाँ जो प्रदेश में जो हमारे उसके कंट्रोलर होते हैं वो सब जगह हर ज़िले में उसका मैसेज देते हैं कि इस प्रकार की आपदाएँ आई हैं, तो तुरंत जो है जानकारियाँ मिलती हैं। और इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो हमारे इसमें लगे रहते हैं, जो राहत पहुंचाने वाले जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारी पुलिस है, तो हर हमेशा इनकी टुकड़ियां भी तैनात रहती हैं। कब कहाँ कितनी आवश्यकता है, कितने लोग भेजने हैं, इस प्रकार का भी बड़ा अच्छा गेटअप जो अभी मुझे मेरी जानकारी में आया है वो भी है। अच्छा सर, हमने एक चीज़ और देखा है कि आपदाएँ हो जाती हैं उसके बाद विभाग एक्टिव होता है। आप सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, आप अपने विभाग के मंत्री को किस तरह से ये बताएंगे कि पहले से हम कैसे एक्टिव रह सकते हैं? क्या इस दिशा में कोई काम कर रही है आपकी समिति? इस दिशा में भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया हमसे। बहुत बार आपदा आने के बाद देर से सूचनाएं मिलती हैं, सूचना तंत्र बड़ा कमज़ोर होता है और तब तक जितना नुकसान होता है वो हो भी जाता है जी। और जो स्थानीय लोग होते हैं वही उस काम में लगे रहते हैं राहत कार्य में, किंतु सरकार का ऐसा विचार है कि कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की जाएं कि जो आपदा वाले क्षेत्र हैं संभावित, वहाँ पहले से ही हम अलर्ट रखें और उन लोगों को सुरक्षा देने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जैसे ही कहीं पर कोई आपदा आती है तो सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि करीब आधे घंटे में वो जहाँ सूचना ठीक जगह पर जानी है वहाँ पहुँच जाए, जिससे कि उसके प्रबंधन में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। अच्छा सर, आपके साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप संघ के प्रचारक के रूप में और गढ़वाल में जब संगठन मंत्री होते थे तो आप यहाँ चप्पे चप्पे हर गांव तक गए, हर गांव को आप करीब से जानते हैं। और बीजेपी के नेता के रूप में भी आप जो हैं, आपका जो दौरा हमने देखा है वो गांव-गांव में रहा है। तो ऐसे में ये विभाग को आप मदद भी कर पाएंगे, जो आपके पास पर्सनल सूचनाएं भी होती हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आपका अपना भी एक नेटवर्क है गांव-गांव में, तो उससे भी विभाग को थोड़ा मदद मिलेगी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बहुत लंबे समय तक रहा। मैं हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी वर्षों तक रहा, मैं मैदानी जिलों में रहा, मैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, शामली, बड़ौद, बागपत, ऐसे अनेकों जिलों में भी रहा। फिर तो सबसे बड़ी बात थी कि 2002 में जब मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठन मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को सौंपा तो मुझे गढ़वाल क्षेत्र मिला और मैंने गढ़वाल नीचे तक यानी जितने हमारे ब्लॉक हैं, मंडल हैं, मेरी वहाँ तक वर्किंग है। मैं जानता हूँ कि नारायणबागड़ कहाँ है, मैं जानता हूँ कि थराली कहाँ पर है, मुझे ये भी मालूम है कि धुमाकोट कहाँ पर है, मुझे ये भी मालूम है कि हमको बेजरों के लिए कौन सा रास्ता है, कहाँ को जाना होता है, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे टिहरी यदि जाना है तो टिहरी के मुझे जो है जो लास्ट प्रताप नगर घनशाली वाला क्षेत्र है कि वहाँ भी रास्ते कौन से हैं, किस रास्ते को जाना है, मुझे मालूम है भटवाड़ी कहाँ पर है, मुझे मालूम है कि नौगांव कहाँ पर है। तो मैंने बहुत डीपली इन क्षेत्रों में काम किया है। यही नहीं, फिर मुझे कुमाऊँ का भी प्रभार मिला अनेकों समय तक, तो मुझे मालूम है कि मुझे मनमारी जो है पिथौरागढ़ जाना है
मुझे अभी जो है बिल्कुल इंटरव्यू में डीडीआर की तरफ जाना है, तो मुझे रास्ते मालूम है, मेरे दिमाग में चीज़ें, और मुझे कार्यकर्ता मालूम है कि हमारा कौन कार्यकर्ता डीडीआर में, मुझे मालूम है कौन कार्यकर्ता हमारे उत्तरकाशी में, मुझे मालूम है कौन कार्यकर्ता हमारे जो है चमोली में या चंपावत में या लोहाघाट में, क्योंकि इतना मेरा कार्यकर्ताओं तक संबंध रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं इस काम के लिए निकलूंगा, कैलाश पंत अकेला नहीं होगा, उसके साथ ये पूरी टीम होगी, वो स्थानीय टीम भी होगी, और वह जो एक मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं उनकी भी टीम होगी। अच्छा सर, आपके बारे में एक बात और कही जाती है कि आप बीजेपी के युवा तुर्क हैं, और कहा जाता है कि युवा तुर्क इसलिए कहते हैं आम लोग कि आप मुफ्त हैं, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता को अपनी बात अगर आपको कहनी तो सीधे कह देते हैं, जबकि आजकल राजनीति का स्वभाव ये है कि लोग बहुत मृद तरीके से कहते हैं, मृदभाषी हो गया कि भाई साहब ऐसा हो गया, लेकिन आपको अगर अपने कार्यकर्ता की बात कहनी होती तो आप सीधे कह देते हैं। असल में मैं संघ का प्रचार रहा, इसको मेरा दोष भी कह सकते हैं, मेरा गुण भी कह सकते हैं। हमको ये बताया गया कि स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं, अभिमान करना नहीं है, सत्य बात को बोलना है और झूठ को दबाना नहीं है। यदि कहीं कोई गलत हो रहा है उसको बोलो, यदि उस सत्य को बोलने में यदि तुम्हें व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है तो इसकी परवाह मत करो, और यदि उस सत्य बोलने से संगठन, सरकार या व्यक्तियों का भला हो रहा है तो उसके खुल के बोलो। ये मुझे बताया गया, मैं आज इसी बात को लेकर चलता हूँ। शायद मुझे कभी कभी लगता है कि सत्य बोलने से मुझे नुकसान भी हुआ व्यक्तिगत, किंतु मैंने कभी संगठन को नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन मैंने देखा कि रानीखेत में आपकी जब चुनाव लड़ने की अभी चर्चा हो रही है, कुछ युवाओं से हमारी बातचीत हुई, मेरे साथ मेरे कैमरामैन जीवन भी थे, तो लोगों ने कहा कि कैलाश पंत एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र के लिए अगर वो आते हैं, तो क्या ऐसी कोई इच्छा वाकई में है आपकी? देखो, राजनीति यदि कोई व्यक्ति करता है उसकी इच्छा यदि नहीं है तो राजनीति कर भी नहीं सकता है। राजनीति में इच्छाओं का होना बिल्कुल आवश्यक है, किंतु हम काम कितना कर रहे हैं और हमारी इच्छा कितनी, इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। काम हमारा बहुत छोटा है, इच्छा इतनी बड़ी है, तो ये संतुलन नहीं है, ये अनुपात नहीं है। मैंने काम किया है, मैंने पार्टी को हमेशा मजबूत किया है, मैंने अपना सर्वस्व संगठन के लिए लगाया है कि मेरा संगठन आगे बढ़ना चाहिए। मेरा संगठन आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कैलाश पंत भी आगे बढ़ रहा होगा, मेरे मन में ये भाव भी आया। मैंने कभी टिकट की इच्छा भी नहीं रखी, किंतु जब मुझे लगता है मैं राजनीति कर रहा हूँ, अनेकों वर्षों से कर रहा हूँ, तो आज रानीखेत विधानसभा जैसे मैं उसको देखता हूँ, मेरे मन में भाव है कि मैंने इतना अन्य जिलों में काम किया है, अन्य प्रदेशों में काम किया है, मैं 9 राज्यों में मैंने चुनाव लड़वाया है, मुझे ज्ञान है चुनाव कैसे लड़वाया जाता है, कैसे लड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कैसे किया जाता है। तो मेरे मन में भाव आता है कि मैं रानीखेत क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करूं, और यदि वहाँ की जनता कैलाश पंत को चाहती है तो फिर कैलाश पंत स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा उस क्षेत्र के विकास के लिए करेगा, वहाँ की जनता के लिए करेगा, और मैं जनता को एक साल बाद रिजल्ट भी दूंगा कि मैं ये रिजल्ट दे रहा हूँ। यदि मैं रिजल्ट देने में नाकाम रहा, जनता से पहले मैं पद को भी छोड़ सकता हूँ। जी नहीं, ये तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप मुखर हैं और जो बात कहेंगे वो करीब करीब सच की तरफ होगा। 2019 में हमने देखा कि आपका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए लिया जा रहा था, फिर अचानक नाम भगत जी को जिम्मेदारी सौंप दी गई, और उस वक्त कहा गया कि सत्ता संतुलन की वजह से कैलाश पंत पिछड़ गए, क्या इसमें सच्चाई है थोड़ा? सच में ये है कि मैंने जब संगठन का काम किया और मुझे बताया भी गया कि आप सब संगठन का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नाम पर उचित समय पर उचित विचार होगा, और मैंने पहली बार अपने संगठन से आग्रह किया कि अध्यक्ष यदि पार्टी मुझे दायित्व देती है मैं इसका बखूबी निर्वहन करूँगा, और मैं इतना आत्मविश्वास से लबालब था, मुझे विश्वास था कि मैं हर कार्यकर्ता को जानता हूँ, उसकी कार्यशैली को जानता हूँ, उसकी क्षमताओं को जानता हूँ, उससे काम कैसे लिया जाता है इसको जानता हूँ, और मेरे मन में भाव आया कि मुझे पार्टी ने ये दायित्व दिया तो मैं इसका वास्तव में बड़े आराम से इसका निर्वहन करूँगा, मैं किसी विवादों में नहीं रहूँगा, जो पार्टी के हित में होगा, जो संगठन के हित में होगा वो काम मैं करूँगा, ये मेरे मन का भाव था। और मेरे मन का भाव नहीं, ये इस प्रदेश के 90% कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वो भी चाहते थे कि कैलाश पंत जी को आना चाहिए, क्योंकि हमारा सीधे उनसे संवाद है और सीधे सरल व्यक्ति हैं और संगठन को जानते हैं, समझते हैं, और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ऐसा निर्णय लेगी, किंतु मेरी पार्टी ने जो भी निर्णय लिया वो मुझे स्वीकार्य है, और मैंने कभी अपने में पार्टी के विरोध में जा सकता हूँ, ना मैं अपनी पार्टी के निर्णय के विरोध में जा सकता हूँ। अच्छा, आपको ना हमने एक चीज़ और देखा, जब हम राज्य भ्रमण पर कई बार निकले लोगों से बात की तो आपको बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा भी बनते जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्या ये इसमें सच्चाई है? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हूँ जी, मैं कोई क्षेत्रवाद का चेहरा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी जातिवाद का चेहरा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनूँ, ये मेरे मन में भाव रहता है।
कोई व्यक्ति विशेष के चेहरे बनने से और जाति विशेष के चेहरे बनने से, क्षेत्र विशेष के चेहरे बनने से व्यक्ति राजनीति में कभी भी अच्छी तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। अच्छा, युवाओं में मैंने देखा है आपकी बहुत पकड़ है, बहुत पसंद आपको करते हैं जी, तो अच्छा लगता है आपको? साहब मैं, आपने बड़ा ऐसा प्रश्न किया मेरे से, मैं जब प्रचारक रहा तो मैं हॉस्टल इनमें काम करता था विद्यार्थियों में, और जब मैं आज राजनीति में आया तो युवाओं से मेरा वास्तव में बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। जो भी युवा मुझको अपना छोटा भाई समझता हूँ और उनको भी लगता है हमारा बड़ा भाई है, और मैंने कभी भी युवाओं का अपने लिए उपयोग नहीं किया, मैं उनका उपयोग यदि करता हूँ तो संगठन के लिए करता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि इनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, इनको पार्टी की रीति नीति को, कार्य पद्धति को ठीक प्रकार से समझाना चाहिए, मैं उनके पीछे 15-20 एक घंटा या जो है 2 घंटा भी समय खर्च करता हूँ कि हमारी पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति को समझें, और इसलिए युवा मेरे साथ जुड़ा रहता है और मुझे युवाओं से इसलिए लगाव है। अच्छा ना, आपके बारे में एक बात मुझे और पता चली, मैं और जीवन जब आपके रानीखेत क्षेत्र में गए थे तो वहाँ एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि आपने उनको पढ़ने में बड़ी मदद की, और फिर कुछ बातचीत और आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ही नहीं इलाके के कई बच्चों को ऐसा सपोर्ट किया। ये बात शायद लोगों को पता ना हो, तो आप क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? वो बालक बैंक में नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, गरीब परिवार का था, उसके माता पिताजी ने कहा कि हम इसको इंटर के बाद आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, मैंने कहा इसको पढ़ाने की जिम्मा मैं लेता हूँ, तो मैंने उसको कंप्यूटर का कोर्स भी कराया और उसने बड़ा अच्छा कोर्स किया, उसके बाद दिल्ली नौकरी में लगा, आज एक अच्छे बैंक में वो ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, और ऐसे मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जी। लोग कहते हैं कि मतलब आप जो गुप्त दान वाली बात है, मतलब चुपचाप लोगों की मदद करते रहते हैं, तो ये अच्छा स्वभाव है आपका, और ये क्या शुरू से ही आप ऐसा करते रहे जब संघ में थे, या फिर बीजेपी में आने के बाद ये शुरू किया आपने? सदी जी, ऐसा है, मैंने जीवन में कभी नौकरी या कभी व्यवसाय नहीं किया जी, किंतु आप जैसे अच्छे लोग मेरे से जुड़े रहते हैं वो मेरी सहायता करते हैं जी, तो सहायता में जो मुझे बचता है मैं फिर औरों के लिए सहायता करने के लिए मुखर रहता हूँ, मैं करता हूँ। मैं बहुत बार कहता हूँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे आपने दिया मैंने किसी और को दे दिया, मेरा क्या खर्चा हुआ उसमें, तो ये भाव मेरे मन में रहता है। आपके बारे में लोग कहते भी हैं कि बहुत धन कमाने की इच्छा आप नहीं रखते हैं। कभी नहीं, इसीलिए आप जो हैं अभी भी कभी बहुत संसाधन संपन्न नहीं हैं, और चुनाव भी लड़ेंगे तो दूसरों की मदद से। हाँ, मेरे पास चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो मेरी मदद करेंगे। अरे कला जी, एक बात और हमने लॉकडाउन के दौरान देखी, आप गाँव गाँव गए और व्यक्तिगत तौर पर आपने लोगों से पूछा कि क्या आपको कोई परेशानी है जी, और जिनके पास नहीं था और उनको भी आपने मदद पहुंचाने की कोशिश की जो लॉकडाउन से प्रभावित नहीं थे, या जो लोग गांव में रहते थे गरीब थे, तो आपने कहा कि भाई इस दौरान दिक्कतें हैं आपको भी मदद चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी आपने मदद की जी। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो मैं अपने गांव में था, रानीखेत में, तो मैं देख रहा था कि लोगों में एक प्रकार का बहुत भय था कि पता नहीं राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो हम कुछ लोग जहाँ बैठे, हमने कहा मुझे लगता है कि ऐसी कोई भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे केंद्र में मोदी जी हैं, हम सबके जो हैं संरक्षक हैं, और निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। फिर बाद में मैं अपने भारतीय जनता पार्टी जो मंडल भिक्यासेन है वो टीम के साथ बैठा, मैंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, तो हम 5-7 लोग बैठे, उसमें तय हुआ कि जो ऐसे गरीब लोग हैं हम उनको राशन वितरण करें। तो उसी समय हमें लगा, हमने सूची बनाई एक गांव के 5-7-8-10 लोगों को, और हमने उसमें आटा चावल तेल नमक जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो भी हमने वितरण किए। फिर उसके बाद मैंने अपना पास बनाया पूरा घूमने के लिए, रानीखेत घूमने के लिए विधानसभा में, मैंने तुरंत जो है महिलाओं से कहा कि हमारे लिए मास्क सिल दीजिए, तो पहले झटके में 5,000 मास्क मेरे पास आए सिले हुए हाथ से, हमने वो वितरण किए, राशन हमारा वितरण हो रहा था, और मुझे लगा कि अब ये पर्याप्त नहीं हो रहा, तो मैं किसी प्रकार पास बना के देहरादून आया, मैंने यहाँ से सैनिटाइज की शीशियाँ ली, मैंने उसका किट तैयार किया, उसमें साबुन मास्क सैनिटाइजर्स और ऐसी किटें बना के हमने वो पूरे क्षेत्र में मैंने बांटे, कि जहाँ कार्यक्रम हो रहे थे जहाँ लोग घरों में थे हमने उनको मास्क वितरण किया। यही नहीं, फिर मुझे बाद में लगा कि हर्बल टी काढ़ा कोरोना से लड़ने के लिए और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो हमने जो है वो पर्याप्त मात्रा में मैंने जो है काढ़ा भी बांटा। यही नहीं, मुझे लगा जो वहाँ के वृद्ध लोग हैं उनको भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो मैंने 54 एक एक किलो के डिब्बे बांटे जी, बहुत जगह मैंने वह दिए। और यही नहीं, मैं बिस्कुट की पैकेट ले गया, मैंने कहा अवस्था पड़ती है कि जी घर में बच्चे हैं छोटे, दुकानें आजकल बंद हैं,
तो पार्ले जी के बिस्कुट की पैकेटें मैंने पर्याप्त मात्रा में बांटी, मैं जूस ले गया, मैंने जूस की पैकेटें बांटी वहाँ पर, और प्रभु की कृपा थी मैं आज तक भी उस काम को कर रहा हूँ। मैं ब्रांडेड जो है आज भी मास्क बांट रहा हूँ, सैनिटाइजर्स, साबुन, काढ़ा मेरा लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 2-3 महीने बांटा, आज भी मैं लगभग जो है 18,000 के ऊपर मास्क मैंने अपने क्षेत्र में बांटे। जी तो बड़ा हुआ है कि 18,000 बहुत बड़ा होता जी। आप उस दौरान मैंने कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कैलाश पंजी करीब 133 बूथ तक गए। 133 से तो मैं नहीं जा पाया, जो मेरा आज आकलन निकाला मैंने, मैं 113-114 बूथों तक सीधे सीधे जनता से मिला हूँ, मैंने संवाद किया है, लोगों के घरों में गया हूँ, उनसे वार्ता की, उनकी समस्याएं क्या हैं, और उसी में जो मैंने रास्ता भी निकाला कि मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, मैं लोगों की एप्लीकेशन लाया और मैंने उनका जो राहत कोष है, उनको जो मिलनी चाहिए राहत, वो भी मैंने देने का पूरा प्रयास किया। अच्छा, लॉकडाउन में जब भय का वातावरण था तब तो आपने गाँव में भी रातें बिताई वहाँ? मैं गाँव में गया, मेरे स्वयं घर वाले कहते थे कि तुम इतने जो है सावधानी नहीं रख रहे हो, किंतु मैंने कहा प्रभु की कृपा है, मास्क मैंने पहन रखा है, सैनिटाइजर तो मैंने रखा है अपनी जेब में, तो गया, प्रभु की कृपा रही कि उधर भी लोग स्वस्थ रहे और प्रभु की कृपा से हम भी स्वस्थ हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई ये कोरोना से निपटा जा सकता है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है जी। उस समय भी बल्कि जितने हमारे प्रवासी कर नहीं कहेंगे जो युवा आए थे नौकरी छोड़ के, मैंने उनकी भी बैठ के ली, मैंने कहा आप लोग आप गांव आए हो तो अपने भविष्य के बारे में सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, और मेरे लायक जो सहयोग होगा आप लोन लीजिए, सरकार लोन दे रही है, अनेकों प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, आप उस काम को कीजिए, उसमें यदि कहीं पर आपके काम अटकता है तो आप मुझे फ़ोन करना, मैंने सबको अपना फ़ोन नंबर दिया कि हम सीधे संबंधित अधिकारी से बात मैं करूँगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दूँगा, मैंने इस प्रकार के अनेकों बैठकें क्षेत्र में ली उस समय। धन्यवाद कैलाश जी, जी नमस्कार, बात की, धन्यवाद।